राजधानी शिमला के बीसी स्थित डायमंड रेस्टोरेंट के खिलाफ मजदूर आंदोलन पर डटे हुए हैं। सोमवार को पुलिस की दमनकारी नीतियों के विरोध में सीटू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि यदि पुलिस द्वारा मजदूरों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो वे अपने आंदोलन को उग्र रूप देंगे। डायमंड रेस्टोरेंट प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन लगातार जारी है। सोमवार को सीटू के 36 घंटे के महापड़ाव के तहत एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की। सीटू जिला कमेटी के महासचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि डायमंड रेस्टोरेंट बीसीएस के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षरत मजदूरों को पुलिस द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और उनके दमन की कोशिश की जा रही है। विजेंद्र मेहरा ने पुलिस की कार्यप्रणाली की निंदा की और इसे पुलिसिया तानाशाही करार दिया। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि जब तक 100 मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है उनका ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो सीटू धारा 144 तोड़ेगी, चक्का जाम, गिरफ्तारियां और जेल भरो आंदोलन भी किए जाएंगे। 36 घंटे का महापड़ाव किया जा रहा है और ये 36 घंटे का महापड़ाव हमने एसपी ऑफिस के बाहर इसलिए रखा है क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, पिछले 78 दिन से 100 मजदूर निकाल दिए गए हैं नौकरी से, लेकिन मजदूरों को न्याय देने के बजाय जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जो है मालिक की सुरक्षा कर रहा है और मजदूरों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है। लगातार मजदूरों को पुलिस की ओर से धमकियाँ दी जा रही हैं, लगातार पुलिस जो है डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो इजाज़त देता है किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लड़ने का, यूनियन बनाने का, इकट्ठा होकर जो है लामबंद होने का। अनुच्छेद 21 जो है संविधान का वो जीने का अधिकार देता है। आज 100 मजदूरों से जीने का अधिकार छीन लिया गया मालिक के द्वारा और इसी मालिक के द्वारा जो गैर कानूनी तालाबंदी की गई है उसको लेबर ऑफिस ने जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया है, उसको निषेध कर दिया है, उसका एक तरह से उसको गलत ठहरा दिया है। तो जब तालाबंदी को लेबर ऑफिस ने गलत ठहरा दिया है, जब 100 मजदूरों का जो छटनी की गई है निकाला गया उसको लेबर ऑफिस ने गलत ठहरा दिया है, जब 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया और सुपर सिविल कोर्ट ने जो संज्ञान ले लिया है, ये तमाम की तमाम जो वहाँ पर घटनाएँ हो रही हैं और जिसमें मालिक गलत पाया जा रहा है और बिल्कुल निश्चित तौर से कानून को अगर देखा जाए तो लगातार संविधान से शुरू होते हुए 1926 से कानून से शुरू होते हुए 1947 का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है, उन तमाम कानूनों की उल्लंघना जो है मालिक कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का उसके साथ खड़ा होना अपने आप में ये बड़ा गलत बात है। और हम ये भी कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अनेकों कोर्टों ने और हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि मजदूरों को अपना आवाज़ उठाने का हक है। 1992 में जब मजदूरों का आंदोलन हुआ था शिमला के अंदर, उस वक्त भी माननीय चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर पास किया था कि मजदूर गेट पर ही अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, ये उनका बुनियादी अधिकार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।